हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाइन्थ क्लास के लिए भी, टेंथ के लिए भी, इलेवंथ के लिए भी और ट्वेल्थ क्लासेस के लिए भी। काफ़ी बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और नीट के एग्जाम में भी एमसीक्यूज इसमें से आ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, कि जो फ्यूजन है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, वो दो बार हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है बेटा, डबल सिंपली मीन्स टू, टू टाइम्स। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो बेटा यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फर्टिलाइजेशन टर्म है, फर्टिलाइजेशन, इसे हम सिंगैमी भी कहते हैं, सिंगैमी। इस टर्म के बारे में बताया स्ट्रॉसबर्गर ने, स्ट्रॉसबर्गर ने, 1884 में। जबकि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसके बारे में बताया एस जी नवोनसिन ने, इन 1898। और उन्होंने ये जो मैकेनिज्म है ये डिस्कवर किया, डिस्कवर इन फ्राइटिलेरिया एंड लिलियम स्पीसीज में। और जो डबल फर्टिलाइजेशन है बेटा, इट इज यूनिक, कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये एक यूनिक कैरेक्टर है बेटा एंजियोस्पर्म्स का। तो होता क्या है, इस डायग्राम की हेल्प से हम इस सब चीज के बारे में बात करेंगे। इनिशियली बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रोसेस से जो पॉलन ग्रेन्स हैं बेटा, वो आके गिरते हैं स्टिग्मा पे। तो ये जो पॉलन ग्रेन है बेटा, हमने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है। तो जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरे होते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल से अराइज होते हैं टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट अराइज हुए। इज दैट क्लियर? तो जब पॉलन ग्रेन आकर गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, तो ये पॉलन ग्रेन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, ये पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा मैटीरियल सब्सटेंसेस सिक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा और ये बनाएगा बेटा पॉलन ट्यूब। ये जो शो किया हुआ है, ये पॉलन ट्यूब नीचे की डायरेक्शन में मूव करती है। किसके थ्रू पास करेगी? स्टाइल के थ्रू। किसके थ्रू पास करेगी बेटा? स्टाइल के थ्रू। यहां पे मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं बेटा, कि जो स्टाइल है, स्टाइल मेनली दो तरीके का होता है, या तो वो होलो होगा या फिर वो सॉलिड होगा। जो स्टाइल है ये दो तरीके का होता है, होलो या सॉलिड। अगर स्टाइल होलो है, यानी कि ये स्टाइल कैसा खोखला है, तो बहुत आसानी से जो पॉलन ट्यूब है वो नीचे तक आ सकती है। लेकिन अगर ये सॉलिड है तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी। क्योंकि जो सॉलिड है वहां पर स्पेसिफिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यूज, या हम कह देते हैं कंडक्टिंग, टिश्यूज। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या होगा बेटा, सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन ऑफ पेक्टिनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, सिक्रीशन ऑफ पेक्टिनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और इनकी हेल्प से, इन ट्रांसमिटिंग टिश्यूज के थ्रू जो पॉलन ट्यूब है बेटा वो पास करेगी। इज दैट क्लियर? यहां पर एक डायग्राम शो किया हुआ है बेटा, ये हमारा फीमेल ओव्यूल का डायग्राम है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जो ये पॉलन ट्यूब होगी,
ये फीमेल ओव्यूल के अंदर कहां से एंटर करेगी? ओके, मोड ऑफ एंट्री, मोड ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये कैसे एंटर करेगी? तो ये जो हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसके तीन साइडेड हैं। एक ऊपर वाला एंड है, इसे हम कहते हैं चैलेंजल एंड, इस एंड को कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, और यहां पे ये जो लाइनिंग्स है इन्हें हम कहेंगे इंट्यूबमेंट, जो प्रोटेक्ट करती हैं बेटा एम्ब्रियो सैक को। ओके, तो जो पोलन ट्यूब है वो तीन तरीके से एंटर करती है। यहां पे पहला मैंने शो किया हुआ है माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। ओके, तो इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे, अगर माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू अगर एंटर कर रही है पोलन ट्यूब, ओके, तो उसे हम कहते हैं बेटा, उसे हम कहेंगे, इसे आप ऐसे लर्न कर लीजिए, एम पी। ओके, एम पी यानी कि माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो हम उसे कहेंगे बेटा पोरोगैमी। क्या कहेंगे उसे हम? पोरोगैमी। तो ये यहां पे क्या हो रहा है? ये यहां पे हो रहा है पोरोगैमी। ओके, सेकंड, अगर ये चैलेंजल एंड के थ्रू, यानी कि ये ट्यूब यहां से ऐसे एंटर कर रही थी, ये इधर ना जाके इधर सीधी एंटर कर जाती है इस तरीके से। ओके, यहां से ये बिल्कुल सीधा इसके साथ फ्यूज कर जाती है, तो उसे हम कहते हैं किसके थ्रू आया? चैलेंजल एंड के थ्रू। तो चैलेंजल एंड, तो इसे हम कहते हैं बेटा चैलेंजोगैमी। ओके, हमने मेंशन कर दिया सी सी। ओके, थर्ड जो है बेटा इंटीगुमेंट्स के थ्रू, यहां पे ये चैलेंजल एंड से एंटर कर रही थी, ये यहां पर अगर ऐसे इंटीगुमेंट्स के थ्रू एंटर करती है। ओके, इंटीगुमेंट्स, ठीक है, तो इसे आप याद कर लेंगे आई एम, यानी कि मीजोगैमी। कैसे लर्न कर लेंगे बेटा इसे हम? आई एम यानी कि जब इंटीगुमेंट्स के थ्रू एंटर करेगी तो हम उसे कहते हैं बेटा मीजोगैमी। क्या कहेंगे उसे हम? मीजोगैमी, जब इंटीगुमेंट्स के थ्रू एंटर कर रही है। इज दैट क्लियर? ओके, अब क्या होगा? अब यहां पे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। भाई पोलन ट्यूब जब एंटर करेगी उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे। ओके, हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो वेजिटेटिव सेल है बेटा, ये आगे आगे चलते हैं, टू मेल गैमेट्स, ये अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं किससे? वेजिटेटिव सेल से। ये नीचे की तरफ आते हैं। ओके, फिर जब ये मेल गैमेट्स पहुंचेंगे यहां पर सिनर्जिड्स के पास, ओके, तो सिनर्जिड्स को ब्रेक डाउन करके ये जो फर्स्ट मेल गैमेट है, अब हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसमें बेटा दो स्टेप इन्वॉल्व है हमारे, फर्स्ट इज सिनगैमी, सेकंड इज ट्रिपल फ्यूजन। फर्स्ट इज सिनगैमी, सेकंड इज ट्रिपल फ्यूजन। इज दैट क्लियर? इन दोनों को मिलाकर हमारा पूरा प्रोसेस होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। ओके, तो जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा सिनगैमी, सिनगैमी मैंने आपको बताया, सिनगैमी को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं बेटा। क्या होगा यहां पे? जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा, फ्यूज विद एग, एग के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? टू फॉर्म जायगोट। क्या बनाएगा बेटा? जायगोट बनाएगा। इज दैट क्लियर? जो मेल गैमेट है वो कैसा होगा नेचर में? हैप्लॉइड। एग भी कैसा है? हैप्लॉइड। ये यहां पे जो रेड में शो किया हुआ है मैंने, ये एग है। ओके, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? जायगोट यानी कि डिप्लॉइड। इज दैट क्लियर? सेकंड, जो ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन जो सेकंड है हमारा बेटा, ट्रिपल फ्यूजन, यहां पे एक चीज आ जाता है, जो सिनगैमी है इसको हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं,
जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी इसे हम कहते हैं। जो सेकेंड है ट्रिपल फ्यूजन, इसे हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, क्योंकि यहां पे हमारे जो जनरेटिव सेल्स हैं, ये जर्म सेल से अराइज हुआ है, मेल गैमेट, ये एग भी जर्म सेल से अराइज हुआ है, तो इसे हमने कहा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन के केस में क्या होगा बेटा, फर्स्ट मेल गैमेट ने तो जायगोट बना दिया, अब ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये भी तो फ्यूज करेगा सेकेंड मेल गैमेट, ये फ्यूज करता है किसके साथ, यहां पर बीच में प्रेजेंट है सेकेंडरी सेल्स। क्या प्रेजेंट है बेटा यहां पे हमारे सेकेंडरी सेल्स, और ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे हम स्मॉल फॉर्म में PEN, क्या लिख देते हैं बेटा इसे हम PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इज दैट क्लियर। ओके, फिर ये जो सेकेंड मेल गैमेट है कैसा नेचर है इसका, हैप्लॉइड। सेकेंडरी सेल्स का नेचर कैसा है, 2N यानी कि डिप्लॉइड, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं 3N, यानी कि जो हमारा ये PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा है बेटा, ये ट्रिप्लॉइड है नेचर में, कैसा है ये ट्रिप्लॉइड है, इज दैट क्लियर। ओके, फिर ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा, ये आगे चलकर चेंज होता है PEN, ये आगे चल के चेंज होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स आगे चल के चेंज होते हैं बेटा किसमें, एंडोस्पर्म में, किसमें चेंज होते हैं एंडोस्पर्म में। जो एंडोस्पर्म है इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रिटिव नेचर, कैसा है बेटा इसका न्यूट्रिटिव नेचर, ये क्या करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको, टू जायगोट, जो जायगोट बना था बेटा हमारा, किससे बना था जायगोट, सिंगेमी से, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा जायगोट को, टू फॉर्म क्या बनाएगा ताकि आगे चल के ये एम्ब्रियो, क्या बनाएगा बेटा आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का, दैट इज कंप्लीटेड, जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ओके, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, जो एंडोस्पर्म है ये पहले बनेगा, एंडोस्पर्म पहले बनेगा यानी कि ट्रिपल फ्यूजन पहले होता है, और जो हमारा सिंगेमी है वो बाद में होता है, इज दैट क्लियर। ओके, क्योंकि न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि जायगोट एंडोस्पर्म को कंज्यूम करेगा। ओके, और फिर इसमें क्या आएंगे, क्लीवेज, सेल डिवीजन होगा, और आगे चल के क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो बनाएगा, इज दैट क्लियर। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद ध्यान देंगे, जो ओव्यूल है, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, ओव्यूल किसमें चेंज हो जाता है बेटा, सीड में चेंज हो जाता है। ओके, और जो ओवरी है, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओवरी किस में चेंज होगा बेटा, फ्रूट में चेंज होगा, इज दैट क्लियर। ओके, तो ये प्रोसेस था डबल फर्टिलाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, सो होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।